आप सभी, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो जो बूंदी देख रहे हो ना, मैंने खुद से बनाई है घर पे, और कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है ये आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आज है मंगलवार, मंगलवार हमारे यहाँ बड़ा मंगल है, तो इसलिए पूजा कर रहे हैं हम दोनों ने सोचा साथ में हवन कर लेते हैं। और इस दिन क्या होता है, जैसे इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप किसी के हेल्प नहीं कर सकते हो, ज़्यादा बाहर ही नहीं निकल सकते हो, लेकिन फिर भी इतना छूट हो गया है कि आप किसी की हेल्प कर सको। जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो रास्ते से जा रहे हैं, उनको पानी वगैरह देना होता है, तो आज हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम भी है ऐसा, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो हम लोगों की पूजा हो चुकी है और अभी कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तो ये सारी बूंदी मैंने निकाल लिया और वहाँ पे भोग लगाया, उसके बाद अब ये मैं सबके घर पहुँचा दूँगी। तो सबसे पहले आप लोग खा लो, और ये वाला सब दादी के घर जाएगा, चाची के घर जाएगा, फिर ज्ञानू लेके जाएगा, क्योंकि इसी टाइम पे भिजवा दूँगी सुबह, तो सही रहेगा, वरना फिर नहीं सही रहता। और ये वाली बूंदी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो सुबह के नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है चने, बाकी सब लोगों ने चने पहले ही ले लिया था, मैं यहाँ अपने और ज्ञानू के लिए बना रही हूँ। तो उसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है और खीरा कट करके डाल दिया है, प्याज भी डाल दूंगी कट करके, जिससे कि क्या होगा, सुबह थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। और अभी मैं खाना भी तुरंत ही चढ़ा दूंगी, क्योंकि आज मिश्रा जी को जाना है, तो बहुत जल्दी जल्दी है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कट करके इकट्ठे रख लूँगी, फिर उसमें मैं डाल दूंगी। और ज्ञानू मिर्ची नहीं खाता है, इसलिए मैं मिर्ची नहीं ऐड करूँगी। तो ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है, पेट भी भर जाता है, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो नमक वगैरह सब डाल के, इसमें नमक, चाट मसाला और काला नमक सब डाल करके मिक्स कर लेना है। अगर आप मिर्च डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नींबू निचोड़ दूंगी लास्ट में, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये चने की चाट है, कच्चे चने की चाट, टेस्टी भी होता है, साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चने ज़्यादा ज्ञानू ने नहीं खाए थे, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों। और फिर उसने बोला मेरे लिए पकौड़ी बना दो, तो यहाँ पे मैंने बेसन फेट करके रख लिया है और उसी में प्याज काट दूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने प्याज कट कर दी है, और जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी दूसरी तरफ मैं खाना भी चढ़ा दूंगी, चाय मेरी चढ़ी हुई है, तो बहुत टाइम नहीं है आज, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी। और ये सब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें वगैरह खा के इस टाइम पे मैं मोटी भी होती जा रही हूँ, क्योंकि अब कितना भी करोगे, घर में रहना है आपको, खाना तो पड़ेगा ही। और मैंने यहाँ पे धनिया और गरम मसाला सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, तो मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि ज्ञानू मिर्ची नहीं खाता है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है आपको। तो ये रही कढ़ाई, और हमने चढ़ा दी है कढ़ाई साथ में, अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार में सारी पक जाए, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसलिए बड़ा जुगाड़ कर करके थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और वो पड़ भी गई थी सारी, एक ही बार में निकल भी आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे जुगाड़ लगा दिया है, ये सब बहुत जुगाड़ करना पड़ता है हम लोगों को, वैसे भी भारतीय होते ही जुगाड़ू हैं। तो यहाँ पे ये मेरी पक गई हैं पकौड़ियाँ, और थोड़ा सा चिपक गई थी, क्योंकि मैंने सब इकट्ठे कर दिया था, लेकिन ये जब पकेंगी ना तो सारे निकल जाएंगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे कर्रारी सी कुरकुरी सी पकौड़ियाँ मैं निकालता लूँगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी, देखो आप, ब्राउन कलर की, मतलब गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ऐसी कुरकुरी अच्छी भी लगती हैं। तो ज्ञानू आजकल रोज़ ज़िद करता है, उसको पकौड़ियाँ रोज़ खानी होती हैं, लेकिन ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये रही पकौड़ियाँ, थोड़ा सा आप भी खा लो। तो ये रही पकौड़ियाँ, और मैंने ज्ञानू और उसके पापा को दे दिया है। तो
तो दोनों लोग खा लेंगी, और दोनों लोग बातें करते जा रहे हैं, दोनों लोग खाते भी जा रहे हैं। बट ज्ञानू को क्या होता है, उसको लगता है कि कोई ना ले उसका, सिर्फ वो ही खाए, तो अब मिश्रा जी को वो नहीं देने वाला है। तो मिश्रा जी की चाय भी ख़त्म हो चुकी है और वो जा रहे हैं। अब बचा है ज्ञानू और वो खा लेगा। तो हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग है, हम लोग चाय, नाश्ता, पूजा वगैरह कर चुके हैं, घर की साफ सफाई हो चुकी है। और अब मैं खाना बना रही हूँ, तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया, एक तरफ मैंने छौंक दी है सब्जी, क्योंकि आज बहुत जल्दी है। आज जैसा कि आप सभी जानते हो, जेठ का मंगल है। तो जेठ के मंगल में क्या होता है कि आज मिश्रा जी लोग गए हैं बांटने लड्डू, तो लड्डू वो गए हैं चौराहे पे वो बांटेंगे, तो वहाँ पे इस वजह से सब लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो आज थोड़ा सा जल्दी हो रहा है सब कुछ। और वैसे भी मेरे यहाँ जल्दी ही होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अब आज बड़े दिन बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो रहा है, तो इसलिए मैं आ गई थी किचन पे और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, चाय नाश्ता वगैरह सब लोग कर चुके हैं। तो मैंने आज बनाया है दाल चावल सब्जी, और जो वो मूली के पत्ते होते हैं उनको कूट करके मैंने सोचा बना देती हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं, झलरा। हमारे यहाँ झलरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, मूली के पत्ते होते हैं और मिर्च होती है, उसको पीस पीसते नहीं हैं, कूट देते हैं, और कूटने के बाद फिर उसमें नमक वगैरह डाल के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो मैं सारा काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद। तो बाकी आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी हैं और बहुत सी चीज़ें आपसे बतानी भी हैं, तो चलो फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और हाँ, अगर मिश्रा जी कोई मान लो वीडियो या फिर फोटो लाते हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट वो ना ये सब नहीं पसंद करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि कोई वीडियो या फिर कोई फोटो वो बनाए। तो अगर मान लो बनाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलो फिर। तो ये रहा खाना, और ये है झलरा, जिसको जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये रही दाल, ये है हमारी सब्जी, और सब्जी के साथ लिया है मैंने रोटी, चावल, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, और उसी में नींबू निचोड़ दिया है नमक डाल के। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है तो आप भी कमेंट करो। क्या कर रहे हो ज्ञानू? पानी पी रहा। पानी क्यों पी रहा है? तुम तो कह रहे हो पानी बरसेगा, वही पी लेना। तुम लोग बुद्धू हो क्या? क्यों? क्योंकि बारिश में भीगता है कि पानी पीता है। क्यों क्यों भीगते है? क्यों है? पानी भी पी सकते हैं। पर वो पानी जमीन पे गिरेगा क्या? जमीन से गिरा हुआ पे नहीं, जमीन पे गिरा हुआ क्यों? ऐसे मुंह आ करके खड़े हो जाना, मुंह खोल के डायरेक्ट उसी में चला जाएगा। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। अरे तुम तो बहुत प्यासे थे यानी। कहाँ जा रहे हो? कपड़े तो बाहर कुछ टंगा है? बाहर तो कुछ नहीं टंगा है। फिर वो क्या चीज़ है? वो तो ऐसे ही है। छूना मत पापा को अभी। ये ऐसी चीज है जो बाद में बताऊंगा। पापा नाम पापा को जान गो किसमें कलर मिलते हैं। ये क्या है? वो नहीं बेटा कुछ नहीं, वो मेरे कागज। ये क्या है? हॉर्लिक्स के साथ मिला क्या? हॉर्लिक्स के साथ मिला है ना। पापा पापा इसको पेंट करने वाला कौन? पेंट किस चीज में इसमें किया जाएगा? तो लेकिन तुमको कैसे पता कि ये पेंट करने वाला है? ये निकला फिर छुआ। अभी पहले हैंड वॉश करो जाके। हैंड वॉश? मैं पापा दो है क्या? नहीं एक ही बस। ओके ये तो बहुत अच्छा। और ये कलर के साथ किससे कलर किया जाएगा? इस पे कलर किया जाएगा ये चित्र में। पर ये पेंट तो बाहर कैसे निकलेगा? तो ये रही ज्ञानू की मस्ती, और मिश्रा जी आ गए हाथ मुंह वगैरह सब अच्छे से धुल के।
ज्ञानू को भी धुलाना पड़ा क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी छू लेता है। और यहाँ पे मैं मिश्रा जी के पास खड़ी होकर पूछ भी रही हूँ कि कैसा रहा आज का दिन, थके या नहीं थके। तो जाहिर सी बात है थक तो बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आने में। तो यहाँ पे हम दोनों बातें करते जा रहे हैं और मिश्रा जी को जो मैंने बूंदी बनाई थी वो मैंने दिया पानी पीने को। चुके हैं और सब्जी लाए थे, तो सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं लाए थे, मतलब बस मिर्ची और नींबू लाए थे। बाकी सब्जी सारी हमारी किचन गार्डन से हो जाती है और जो नहीं होता है वो गांव आ जाता है तो उसको ले लिया जाता है वहीं पे। और ज्ञानू के लिए हॉर्लिक्स लाए हैं, हॉर्लिक्स में बहुत सारे कलर, मतलब बहुत अच्छा लगा ये वाला क्योंकि पहले कार्ड निकलते थे जिसमें कि प्ले कार्ड शायद, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं है, जिसमें आयरन मैन वगैरह सब कुछ सब रहते हैं, तो ज्ञानू के को आता है और उसको पता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। और अभी यहाँ पे वो सब ले आए हैं और मैंने सब कुछ धुल के, जो धुलने वाला था उसको धुल के रख दिया है और जो नहीं धुलने वाला था उसको रख दिया है। उसको हम लोग छः सात दिन तक नहीं टच करेंगे, उसके बाद में फिर टच करेंगे। और हॉर्लिक्स का डिब्बा मैंने अच्छे से धुल के उसको पोछ पोछ के रख दिया है। तो फिर अभी थोड़ा थोड़ा हल्का सा आंधी आना स्टार्ट हो गया है और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लाने, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ और कपड़े उठाते हैं। अभी अचानक से आना पड़ा मुझे छत पे क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई अचानक से और बहुत तेज़ आंधी आई, तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए जल्दी जल्दी से और फिर अभी खड़ी हो गई हूँ। थोड़ी देर हवा लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लेकिन धूल भरी आंधी है, पूरा धूल धूल है, तो इसलिए मतलब अजीब सा भी लग रहा है, आँख आँख में पड़ जा रहा है। और एक चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ, मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया है कुछ दिन के लिए क्योंकि ये जो धागा पहना हुआ है ना, ये हम लोगों का वही पूजा वाला धागा है और इसको 12 दिन तक पहनना होता है, तो 12 दिन इसको पहने रहेंगे, उसके बाद मंगलसूत्र मैं दोबारा से पहनूंगी। और मंगलसूत्र भी मैं ये वाला नहीं पहनने वाली हूँ जो मैंने अभी तक पहना था, अब मैं दूसरा पहनूंगी, वो पतला सा है क्योंकि इस वाले में जो डोरी है वो भी उसका भी कलर फेड हो गया है, तो देखने में नहीं अच्छा लग रहा था। और दूसरा क्या हुआ है कि इसमें ये मोती बड़ी बड़ी हैं तो ये गर्मी में मुझे एलर्जी हो जाती है, दाने पड़ जाते हैं, इसलिए पतला वाला मैंने निकाल के रख लिया है, अभी पहनूंगी बाद में। तो 12 दिन तक तो यही पहनना है। और हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, तो अभी मैं जाऊंगी नीचे और कपड़े उपड़े। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों को बोर करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और हाँ अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर से मिलूंगी बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।